नमस्कार दोस्तों, तो चलिए जानते हैं आज के ताज़ा मौसम समाचार। क्या बीते दिनों के मुकाबले आज भी मौसम ऐसा ही रहने वाला है या फिर आज कुछ अलग रहेगा मौसम में जल्द? तो फ्रेंड, रायपुर मौसम विभाग के अनुसार क्या है मौसम की हाल और मौसम की जानकारी। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आज छत्तीसगढ़ में मौसम थोड़ा अलग रहने वाला है, यानी कि कुछ क्षेत्रों में मध्यम से बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं कि किस क्षेत्र में भारी से अति भारी और किस क्षेत्र में मध्यम वर्षा होने की संभावना बताई गई है। तो रायपुर मौसम विभाग की तरफ से ताज़ा अपडेट निकल कर आ रही है। दोस्तों जानते हैं छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में कैसा रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मिजाज। तो फ्रेंड्स 3 सितंबर 2021 का मौसम कुछ इस प्रकार रहने वाला है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको उन क्षेत्रों का नाम बताने वाली हूँ जिन क्षेत्रों में तापमान टेम्परेचर यानी कि गर्मी अधिक पड़ने वाली है। तो दिन में अधिक गर्मी पड़ने वाला क्षेत्र है सुकमा। जी हाँ फ्रेंड्स, सुकमा में 34 डिग्री सेल्सियस तक दिन में अधिक गर्मी पड़ने वाली है। वहीं दिन में कम तापमान की बात करें तो दोस्तों वो है बलरामपुर। जी हाँ फ्रेंड, बलरामपुर में 29 डिग्री सेल्सियस तक दिन में कम तापमान रहेगी। बाकी जिलों की बात करें तो बाकी जिलों में 30 से 33 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाली है। वहीं रात में तापमान की बात करें तो दोस्तों मोस्टली सभी जिलों में 23 से 25 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहने वाली है। अब हवा की गति की बात करें तो दोस्तों काफ़ी कम, यानी कि बीते दिनों के मुकाबले भी आज हवा कम चलने वाली है। बता दें कि 6 से 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आज हवा चलने वाली है, ऐसे में गर्मी काफ़ी पड़ने वाली है। वहीं बूंदाबांदी क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों बलरामपुर, रायगढ़, गरियाबंद, बालोद और सुकमा इन सभी क्षेत्रों में बूंदाबांदी बारिश होने की संभावना बताई गई है। हल्की बारिश की बात करें तो फ्रेंड्स वो है गोरिल्ला, पिंडा, मरवाही, जिला धमतरी, नारायणपुर, इन तीनों क्षेत्रों में फ्रेंड्स आज हल्की बारिश की संभावना है। वहीं थोड़े से ज़्यादा बारिश होने वाला की बात करें तो वो है रायपुर, कोंडागांव और बीजापुर। जी हाँ फ्रेंड, रायपुर, कोंडागांव और बीजापुर जिले में थोड़े से ज्यादा बारिश होने की संभावना बताई गई है। तो फ्रेंड्स बता दें कि छत्तीसगढ़ में सभी क्षेत्र में मौसम क्लियर रहेगा, इस वजह से आज भी किसी भी क्षेत्र में बिजली गिरने या वज्रपात होने की संभावना नहीं बताई गई है। अब बात करते हैं ऐसे क्षेत्रों की जहाँ बादल छाए रहेंगे, कहीं कहीं पर धूप भी देखने को मिलेगी। तो वो क्षेत्र है कोरिया, अंबिकापुर, सूरजपुर, जसपुर, बिलासपुर, मुंगेली, कोरबा, जांजगीर चांपा, महासमुंद, बलौदाबाजार, दुर्ग, राजनांदगांव, कवर्धा, तरह कांकेर और दंतेवाड़ा। इन सभी क्षेत्रों में फ्रेंड्स बादल छाए रहेंगे, साथ ही कहीं कहीं पर धूप भी देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं मध्यम बारिश की। तो मध्यम वाला बारिश होने वाला क्षेत्र है जगदलपुर। जी हां फ्रेंड्स, जगदलपुर जिले में आज मध्यम बारिश होने की संभावना बताई गई है। साथ ही अब भारी से अति भारी बारिश वाला क्षेत्र की बात करें तो दोस्तों फाइनली आज जिलों में भारी या अति भारी बारिश होने की कोई संभावना नहीं है। मात्र एक जिला मीन्स जगदलपुर में मध्यम सी बारिश होने की संभावना बताई गई है। जी हां फ्रेंड, बाकी जिलों में मोस्टली जिलों में बूंदाबांदी या फिर साथ ही हल्की बादल छाए रहेंगे और कहीं कहीं कड़ी धूप भी देखने को मिलेगी। ओके फ्रेंड्स, ये रहा आज का हमारा मौसम से जुड़ी ताज़ा अपडेट का वीडियो। सो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, यदि नहीं लगी हो तो डिसलाइक करना, पर अपना फीडबैक